तो नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज है शनिवार का दिन और शनिवार के दिन हम बात करेंगे अपनी बोनस पिक के। और बोनस पिक के अंदर मैं जिस स्टॉक को लेकर आ गया हूँ उसके अंदर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चलती हुई दिखाई दे रही है उसका रिलेशन और उसका इम्पैक्ट इस शेयर के ऊपर बहुत ज़रूरी पड़ने वाला है। उसका रीज़न क्या है, क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और पहले नंबर पर अपने सेगमेंट के अंदर आने वाली कंपनी है, पहले नंबर पर, जिसकी मार्केट कैप के बारे में, जिसके फ्यूचर के टारगेट के बारे में और क्या इसकी रिकमेंडेशन आ रही है कि इसका आगे आने वाला टाइम और इसका जो टारगेट प्राइस है वो कितना जाने वाला है। जी हाँ जी, इस समय जो टारगेट प्राइस दिया जा रहा है वो इतना बड़ा दिया जा रहा है इस शेयर के ऊपर कि अगर आप होल्ड करते हैं तो आपकी जो शेयर वैल्यू बहुत तगड़ी बनने वाली है। जी हाँ जी, और इस लड़ाई के बीच में, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो काम करती है वो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड काम करती हुई दिखाई देती है, और डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर किसी दूसरे देश में भी लड़ाई होती है तो वहाँ पर इम्पैक्ट, प्रिपरेशन, फ्यूचर प्लानिंग, वो सब जो डिपेंड करता है वो आर्मी के ऊपर होता है। और जब आर्मी प्लान करती है तो उसका जो असर होता है, टेंडर होता है और फाइनेंसिंग होती है, वो असर रेवेन्यू जनरेशन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए इसके शेयर के अंदर पिछले 4-5 दिनों से जो न्यूज़ बनती हुई दिखाई दे रही है और इस शेयर के अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट एक महीने के अंदर तो नहीं लेकिन अगर 5-4 दिन के अंदर भी इसके अंदर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस शेयर के अंदर 5 दिन के अंदर 9% तक की उछाल आती हुई, 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसके अंदर 9% की ट्रेडिंग उछाल आती हुई दिखाई दे रही है। और अगर मैं फ्यूचर की इसकी बात करूं तो बहुत अच्छे टारगेट इस शेयर के ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं सब कुछ इस बोनस पिक के अंदर शेयर के बारे में, इसकी कंपनी के बारे में, क्या कंपनी डेट फ्री है या नहीं है, कब अपना डेट ख़त्म कर देगी, किस तरह से आगे इसकी फ्यूचर प्लानिंग है, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ बने रहिए। हम बात करेंगे सरकारी कंपनी और सरकारी टेंडर, सरकारी चीज़ों की, सरकारी जो भी फ्यूचर प्लानिंग होती है उसके अंदर, खासकर आर्मी रिलेटेड ये काम करती हुई दिखाई देती है। और वही रीज़न है कि शेयर के अंदर एक दमदार परफॉर्मेंस के साथ अगर ओवरऑल एक साल के चार्ट को यहाँ पर लगाते हैं तो लगभग 52% तक के रेवेन्यू और परसेंटेज की ग्रोथ बनती हुई दिखाई दे रही है। और आगे फ्यूचर प्लानिंग ऐसी है कि आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि बहुत तगड़े रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में मिलते हुए दिखाई देंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ कि HAL स्केल न्यू पीक रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑफ द ओवर ₹24,000 करोड़ इन FII 2022 के अंदर इसने 24,000 करोड़ का रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट किया है और इसकी खुद की जो मार्केट कैप है वो 50,000 करोड़ की है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि रेवेन्यू इतना जनरेट कर दिया तो ग्रोथ कितनी होगी और प्रॉफिट मार्जिन कितना बनता हुआ दिखाई देगा। इन्हीं सब चीज़ों के साथ आप बात करेंगे कि किस तरह से इस शेयर के अंदर एक बहुत बड़ी आने वाले फ्यूचरिस्टिक टाइम के अंदर, खासकर आर्मी इक्विपमेंट्स, आर्मी हेलीकॉप्टर, आर्मी एयरप्लेन्स, उनके अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, जैसे जैसे किसी भी देश में अगर लड़ाई होती है तो हमारे देश में ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं, अगर हमारे देश में भी लड़ाई होती तो हमारे पास ये इनबिल्ट प्रोग्राम, ये इनबिल्ट प्रोडक्ट, ये इनबिल्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और यही रीज़न है कि ये सारा का सारा काम करती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पूरी आर्मी के लिए, क्योंकि इंटरनली काम करते हुए अगर आप देखेंगे किसी भी सेक्टर के अंदर अगर एरोप्लेन किसी भी कंट्री से इंडिया के अंदर आता है तो उसका जो टेंडर होता है उसको सर्विस देना, फर्दर उसके अंदर कोई भी इक्विपमेंट अगर टूट जाता है तो उसको रिप्लेस करना, वो टेंडर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ही मिलता है। तो यही रीज़न है चारों तरफ से जो टेंडर होता है, रेवेन्यू होता है आर्मी का स्पेशली, वो अकेले HAL को जाता हुआ दिखाई देता है। यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर जो हाईएस्ट रेवेन्यू की जो रिपोर्ट बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रीवियसली अगर बात करें तो ये लगभग 22,755 करोड़ था
जो यहाँ पर आपको बनता हुआ 24,000 करोड़ का दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। और यही रीज़न है कि इसके अंदर अब जो शेयर के टारगेट है ना, वो इतने बड़े और ज़बरदस्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको आने वाले टाइम में ये शेयर करोड़पति बनाता हुआ दिखाई देगा। एरोनॉटिक्स लिमिटेड की वेबसाइट के ऊपर जहां और विस्तार से ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये कंपनी अपने सेक्टर के अंदर भागती हुई और रेवेन्यू इतना ज़्यादा जनरेट करती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां पर अगर आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई देगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर एंड रिपेयरिंग मेंटेनेंसिंग ऑफ द बोथ। यानी कि इसको मैन्युफैक्चरिंग भी करती है एयरक्राफ्ट को और हेलीकॉप्टर को, और उसके रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का जो काम होता है वो भी यही कंपनी देखती हुई दिखाती है। तो इस तरह से कंपनी के अंदर अगर आप देखेंगे कोर सप्लाई चेन का काम करती हुई पूरे के पूरे आर्मी सेक्टर के लिए कंपनी दिखाई देती है। अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से 50,000 करोड़ से ज़्यादा की इसकी मार्केट कैप है। इसने अपना करंट प्राइस जो है वो 1524 रुपये का, हाई जो बनाया है वो लगभग 1568 रुपये का है, और इसने जो लो बनाया है 925 रुपये का है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये आती हुई दिखाई दे रही है, और अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें 2.62% की बनती हुई दिखाई दे रही है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो निकलती है इस कंपनी के अंदर आ रही है वो आ रही है ये सारी चीज़ें जिसको आप सब ढूंढते हैं हर एक कंपनी के अंदर, यानी कि कंपनी रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। और अगर ये डेट फ्री हो जाती है ऑलमोस्ट इस साल के अंदर, तो आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी रॉकेट की तरह भागती हुई दिखाई देगी। कंपनी हैज़ मेंटेन अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ द 32.66%, यानी कि 32% तक का डिविडेंड देती हुई ये कंपनी दिखाई दे रही है। और यही रीज़न है कि किस तरह से ये शेयर रेगुलरली भागता हुआ दिखाई दे रहा है। डेट टू डे इम्प्रूव फ्रॉम 169 to 290 days, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर बड़ी डेवलपमेंट आ रही है और इन दोनों चीज़ों के अंदर जो बनती हुई दिखाई दे रही है, एक बार ये ख़त्म हो जाता है तो आप समझ जाइएगा कि ये शेयर रॉकेट की तरह भागता हुआ दिखाई देगा। इसके अंदर पीयर कंपैरिजन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टॉप नंबर वन पर आती हुई कंपनी दिखाई दे रही है अपने सेगमेंट के अंदर। उस समय इसकी जो मार्केट कैप है वो 50,000 करोड़ से ज़्यादा की है। और अगर हम दूसरे नंबर की कंपनी की बात करें तो वो है थर्मेक्स, जिसकी मार्केट कैप अभी आधे से भी कम है। फिर आती है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जिसकी भी मार्केट कैप बहुत कम है, अभी उसको चेस करने के लिए और रेवेन्यू इतना जनरेट करने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा। तो अभी इसके आसपास कोई भी बड़ी कंपनी नज़र आती हुई नहीं दिखाई दे रही है जो इकलौती कंपनी 24,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर देती है। तो समझ सकते हैं कि आप इस शेयर के अंदर कितनी और बड़ी ग्रोथ आने वाले टाइम में देख सकते हैं, कि यानी कि ये कंपनी स्पीड बनाती हुई अपने मार्केट कैप के अंदर, रेवेन्यू के अंदर और फिर प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। और जैसे ही डेट फ्री हो जाती है तो आप ये समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर जो रॉकेट वाली फील आने वाली है वो बहुत तगड़ी आने वाली है। और यही रीज़न है कि ब्रोकर्स फर्म ने इसके ऊपर जो टारगेट सेट की है वो देख कर आप हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब इस शेयर के अंदर के टारगेट क्या हैं। तो टारगेट जो दिए जा रहे हैं शेयर के अंदर वो दिए जा रहे हैं लगभग 2618 रुपये के, और इस समय जो इसका प्राइस चलता हुआ दिखाई दे रहा है वो चल रहा है लगभग 1524 और 1510 रुपये का। और यहाँ से आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि किस तरह से लगभग 1100 रुपये इसके अंदर और अभी तेज़ी आनी बाकी है। और पर शेयर अगर आपको 1100 रुपये कमाने का मौका मिलता है इस शेयर के अंदर स्पेशली, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ग्रोथ अभी इस शेयर के अंदर, इस सेक्टर के अंदर और ख़ासकर इस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर जो इसके रेवेन्यू हैं, टारगेट जो सेट किए जा रहे हैं वो बहुत तगड़े सेट किए जा रहे हैं। और यही रीज़न है कि आपको आने वाले टाइम में ये कंपनी एक ज़बरदस्त मालामाल बनाने के लिए तैयार खड़ी हुई है। और रिसर्च फर्म ने इसके ऊपर ICICI सिक्योरिटीज़ ने जो टारगेट दिए हैं वो लगभग 2618 रुपये के दिए हैं।